प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रतिवेदन 24/1/2006 जिसकी सत्री शुरुआत भोजनावकाश के बाद प्रशिक्षकों द्वारा शुरू की गई, जिसमें साधन सेवी के द्वारा शिक्षण पोषण की अवधारणा को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया। शिक्षण पोषण का अर्थ विभिन्न नवाचारी पद्धतियों का प्रयोग कर बच्चों के संपूर्ण विकास को सुदृढ़ करना है। तत्पश्चात बहुवर्गीय कक्षा की अवधारणा को बताया गया और उसे कक्षा में कैसे संचालित किया जाए उसके सभी मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझाया गया, जैसे व्याकरण, लेखन कौशल, श्रुत लेख, सामान्य ज्ञान और गतिविधियां। फिर तकनीक शब्द का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया, जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा नए विचारों को व्यक्त करता है। सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रशिक्षकों ने बताया कि किस प्रकार कक्षा का आरंभ करना चाहिए, बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए कक्षा का हमेशा प्रारंभ करना चाहिए और विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, तथा कक्षा का समापन ऐसे मोड़ पर लाकर करना चाहिए कि बच्चे की अगले दिन की कक्षा के लिए उत्सुकता बनी रहे। तत्पश्चात बुद्धि के बारे में बताया गया कि बच्चे जिस कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं करे वह रुचि है। मूर्त और अमूर्त के अंतर को भी समझाया गया। सीखने और पढ़ाने में अंतर को बहुत ही सरल तरीके से उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया और इसमें हमारे प्रतिभागियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जैसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी प्रतिभागियों के द्वारा समझाया गया, जैसे साइकिल चलाना, सॉरी या प्लीज जैसे शब्दों का प्रयोग करना। शिक्षण अधिगम से संबंधित फिर एक गतिविधि करवाई गई। सत्र की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षुओं को अल्प विराम का मौका दिया गया। कुछ देर बाद सभी प्रशिक्षुओं को रचनात्मक सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया। सत्र का संचालन पूरी तरह से गतिविधियों पर आधारित था। 3D आकृतियों को गतिविधि के माध्यम से कराया गया, फिर पासे का खेल शामिल कर अशुद्धियों को निकालना सिखाया गया। अंत में सांस्कृतिक गतिविधि की कक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें 4 प्रकार की तालियों के बारे में हमें बताया गया, चुटकी ताली, चटक ताली, बुलबुल ताली और सौतन ताली। फिर एक प्रतिभागी के द्वारा बारिश ताली के बारे में भी चर्चा की गई। कुछ कविताओं, लोकगीत के माध्यम से राष्ट्रीय गान गाकर सत्र को समाप्त किया गया।